तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? ऐसा करता हूँ, आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जब भी हमारा मशीन स्टार्ट नहीं होता है, मशीन में ऐसी कई कई प्रॉब्लम आ जाती है जो कि मशीन हमारा स्टार्ट नहीं हो रहा। फोर मैं पॉइंट ऐसा बताने वाला हूँ जो कि आपको ध्यान रखना है। मशीन कभी भी इस तरीके से आपका होता है, स्टार्ट नहीं होता है, तो चार जो मैं काम बता रहा हूँ, चार जो बातें बता रहा हूँ, ये बात आपको ध्यान रखना है। और ये चार चीज़ें आपको हमेशा चेक करनी है जब आपका गाड़ी स्टार्ट नहीं होता है। सेल्फ आप स्टार्ट करते हैं और नहीं होता है तो किस तरीके से हमको चेक करना है, वो चीज़ मैं आपको लाइव यहाँ पे दिखा देना। फोर पॉइंट मैं बताऊँगा, फोर पॉइंट आपको ये हमेशा समझना है, बारीकी समझना है और ध्यान से देखना है। फोर पॉइंट आपको भूलना नहीं है। जब भी आपका मशीन चाबी ऑन करते हैं, पूरा राउंड होता है, आपका गाड़ी स्टार्ट नहीं होता, तो ये चार पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं किस तरीके से हमको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखिए दोस्तों, आ गए मशीन के अंदर, उसके बाद मैं बताता हूँ जो फोर पॉइंट रहता है, क्या क्या दिक्कत होती है। कभी कभी हमारा मशीन में ऐसा होता है, देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे पहला पॉइंट मैं बता देना हूँ। पहला पॉइंट जो रहता है, पहले यहाँ पे फ्यूज को आपको चेक करना है। यहाँ से मैं पहले इसको मैं खोल ले रहा हूँ, जो कि मैं ऑलरेडी यहाँ पे खोल कर रखा हूँ, और आप इसको खोल लीजिएगा। खोलने के बाद यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो फ्यूज दिखाई दे रहा है, ये वाला फ्यूज और यहाँ पे लास्ट 10 नंबर का फ्यूज और यहाँ पे जो 15 नंबर का फ्यूज, ये जो दोनों आपको चेक करना है। अगर इसमें कोई दिक्कत हो रही है, इसको अगर आप निकाल देंगे तो आपका गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। अगर ये फ्यूज एकदम खराब हो जाता है तो अभी आपका गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। आप कितना भी चाबी लगाएंगे, ऐठेंगे, कोई भी स्टार्ट नहीं होगा। तो इस फ्यूज को आपको चेक कर लेना है, अगर खराब है तो चेंज करना है। इस भी फ्यूज को चेक करना है, अगर खराब हो जाता है तो आपको चेंज कर लेना है। ये पहला वाला और यहाँ पे लास्ट वाला है, दोनों आपको फ्यूज को चेक कर लेना है। पहला यहाँ पे पॉइंट हो गया, अगर ये प्रॉब्लम आती है, आपके मशीन आपका स्टार्ट नहीं होता, तो ये दोनों फ्यूज फर्स्ट आपको चेक करना है। देखिए पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट पे हम बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। जब भी हम चाबी इस तरीके से पूरा ऐंठते हैं, यहाँ पे इस तरीके से पूरा हम राउंड कर लेते हैं, हमारा गाड़ी स्टार्ट नहीं होता। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, चाबी हम पूरा इस तरीके से आप ऐंठेंगे तो हमारा गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है। यहाँ से आप देख सकते हैं, जो कि मैं पहला पॉइंट आपको बता दिया हूँ कि गाड़ी हमारा स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा। पहला पॉइंट मैं बताया आपको फ्यूज चेक करना है। दूसरा पॉइंट आपको क्या करना है, यहाँ से आप देख सकते हैं, ये हमारा कभी जो न्यूटन यहाँ पे गियर रहता है, इस तरीके से न्यूटन नहीं रहता, हमारे यहाँ पे रिवर्स रहेगा या यहाँ पे फॉरवर्ड रहेगा। तो इस तरीके से जो रहता है कि आपका जो कि स्टार्ट नहीं होगा, ये चीज आपको ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे इस तरीके से अगर न्यूटन रहेगा तो आपका गाड़ी स्टार्ट होगा, अगर आप रिवर्स रहेगा यहाँ पे फॉरवर्ड रहेगा तो इस तरीके से आपका रिवर्स और यहाँ पे फॉरवर्ड इस तरीके से रहेगा तो आपका गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। दूसरा पॉइंट ये हो गया, देख सकते हैं यहाँ पे अगर इस तरीके से यहाँ फॉरवर्ड रहेगा और यहाँ से न्यूटन यहाँ पे रिवर्स रहेगा तो आपका गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। दो पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट मैं दिखाने वाला हूँ कि आप बारीकी से समझिए। अगर आप वीडियो में थोड़ी भी प्रॉब्लम करते हैं, आप लेट करते हैं या इसको स्क्रॉल करके देखते हैं, भागा भागा कर वीडियो देखते हैं, तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब तीसरा पॉइंट मैं आपको दिखाने वाला हूँ, नीचे चलते हैं। तो आ गए हम तीसरे पॉइंट के पास। तीसरा पॉइंट क्या होता है कि यहाँ से आप देख सकते हैं, जो हमारा यहाँ पे सेल्फ रहता है, जो हम चलाते हैं, जैसे सेल्फ हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो यहाँ पे स्टार्टर रहता है यहाँ पे जो हमारा सेल्फ वाला, तो प्रॉब्लम क्या होता है कि सेल्फ में यही प्रॉब्लम होता है कि यहाँ पे वायर रहता है, वायर आपका लूज रहता है। कभी भी आप गाड़ी चलाते हैं, जिस तरीके से यहाँ पे टाइट है वायर, उसी तरीके से एक वायर वहाँ पे देख सकते हैं, नीचे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अभी ये यहाँ पे टाइट है। जब ये आपके लूज रहता है तो अभी आपका गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। तीसरा पॉइंट ये होता है, आपको ये वायर को चेक करना है, अगर आपका वायर लूज है तो आपको टाइट कर लेना है। अभी यहाँ पे चौथे पॉइंट का हम बात करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे पहले बैटरी के पास जाना पड़ेगा। देखिए तो आ गए हम बैटरी के पास, यहाँ पे चौथे पॉइंट की बात करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे देख लेना है कि जो हमारा कि यहाँ पे जो टर्मिनल रहता है ये लूज नहीं है ना, तो आपको जो टर्मिनल को आपको देख लेना है, आपका लूज है, टाइट कर लेना है। और यहाँ पे एक पॉइंट रहता है, इसमें एक फ्यूज रहता है, यहाँ से आप देख सकते हैं डब्बी को खोलेंगे, जो कि अभी बहुत गंदा हो गया है, मैं बहुत दिनों से इसको खोला नहीं था, और इस डब्बी को पहले हम निकालेंगे। अभी यहाँ पे पहले मैं खोल लेता हूँ इस तरीके से, यहाँ से आप देख सकते हैं इस डब्बी को मैं यहाँ पे खोल लिया हूँ। खोलने के बाद आपको देख सकते हैं इस तरीके से आपको फ्यूज को चेक करना है। अभी जिस तरीके से मैं इस डब्बी को खोला हूँ, उस तरीके से इसी डब्बी को आपको खोलना है। यहाँ से आप देख सकते हैं इसके ऊपर, फ्यूज के ऊपर, जो कि यहाँ पे ऐसा राउंड जैसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है पॉइंट, जो कि वायर लगा रहता है, ये जल्दी हमारा फ्यूज उड़ता नहीं है, खराब नहीं होता, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इस फ्यूज को चेक करना है, इस फ्यूज को आपको चेक करना है, दोनों फ्यूज को आपको चेक करना है। चेक करने के बाद आपका मशीन स्टार्ट हो जाएगा। इसमें कोई ना कोई, जितना मैं प्रॉब्लम बताया हूँ, चार प्रॉब्लम में आपका सोल्यूशन, जो आपका गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चार प्रॉब्लम जो मैं बताया हूँ, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, इस चार प्रॉब्लम को हमेशा आपको चेक करना है। आपका गाड़ी अगर सेल्फ आपका स्टार्ट करते हैं, पूरा चाबी घूम जाता तो भी स्टार्ट नहीं होता, तो इस चार चीज़ों को, चार बातों को ध्यान रखना। दोस्तों आज की वीडियो में देर मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।